ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। প্রয়াত অভিনেতা ঋষি কাপুর আজ সকালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মেরা আর উনকা বহুত আচ্ছা থা, হমেশা ফোন করনা। জব ও আমেরিকা গয়ে থে বিমার হোকে তো ওয়াহাঁ সে ভি মুঝে ফোন আতে থে, মে উনকো ফোন করতি থি, হম লোগ বাতে করতে থে। ফির উনহোনে কাহা মে বিলকুল চিন্তা নেই কিজিয়ে, মে মেরি তবিয়ত আচ্ছি হো জায়েগি, মে আ জাউঙ্গা। তো ইয়াহাঁ আয়ে আর মুঝসে বোলা নেই যা রহা হ্যায়, ইয়াহাঁ আকে ফোন মেসেজেস বগেরা ও করতে থে। ये फोटो भी उन्होंने मुझे भेजी थी, मुझे कहा कि मैं बहुत छोटा था जब आपके हाथ में हूँ, तो मालूम है उनको वो फोटो कहाँ से मिली, उन्होंने मुझे भेजी थी। बिल्कुल, आपने तो बचपन से देखा उनको, बचपन से आपने उनको देखा। आपके किसी गाने को लेकर, आपके किसी गीत को लेकर जो उनको बहुत पसंद हो ऋषि कपूर को? ऐसा तो मैं, हमने कभी बात नहीं की, पर एक मरतबा उन्होंने मुझे कहा था कि आपका कोई भी गाना हो मुझे अच्छा लगता है, आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो मुझे पसंद है, आप यही गाना, ऐसा कुछ नहीं था, पर उनको सभी गाने अच्छे लगते थे। अभी गानों की तो बात छोड़िए, कुछ भी नहीं है, पर उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। अभी कुछ मुझे लगता है 12-13 दिन हुए होंगे या 15 दिन उन्होंने मुझसे बात की थी। अच्छा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप दिल्ली जाके आए हैं, मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे कहने लगे हाँ इन्फेक्शन हो गया था, पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपको मिलने आऊंगा, आप अच्छी हो जाएंगे। ये सब बातें हमारी होती थी। लता जी, आप जिस तस्वीर की बात कर रही थी ना, जो आपने ट्विटर पर शेयर की है, वो मैं अभी टीवी पर दिखा रही हूँ दर्शकों को। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है और आपकी गोद में नन्हे से ऋषि कपूर आपको देख रहे हैं। जी जी, बड़ी बड़ी आंखों से आपको देख रहे हैं और आप बड़े प्यार से मुस्कुरा कर उनको देख रही हैं। याद है आपको ये कब की फोटो है, कहाँ? जी हाँ, जी हाँ, ये मुझे याद है, मुझे डेट याद नहीं है जी, पर मुझे और मुकेश भैया वगैरह को राज साहब ने खाने पे बुलाया था। मैं खाना खाने वहाँ गई तो थोड़ी देर के बाद उसने भाभी को कहा कि जरा तुम आ जाओ लेके, तो भाभी आई ऋषि जी को लेके हाथ में और मेरे हाथ में दिया और मुझे कहा कि ये ऋषि कपूर है, तो वही वो फोटो है। जी जी जी। अच्छा, ये लोग इतने बड़े, मतलब फिल्मी परिवार से आते थे, एक तरीके से हिंदी सिनेमा की नींव इस कपूर खानदान ने रखी, लेकिन संस्कार हमेशा उसी तरीके के, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, इज्जत करना। जी हाँ, जी हाँ, जी 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 हाँ, पांव छूना, उनको कभी मतलब तू करके बात नहीं करना, बहुत प्यार से बात करना और सब बड़ों का मतलब इज्जत करना, ये उस फैमिली में था, इस पे कोई शक नहीं। अभी थोड़े महीने हुए, उनकी बड़ी बहन इसी बीमारी से गई है, मालूम नहीं कि ऋषि जी को ये बीमारी कैसे हो गई, कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, आप बता रही थी अभी 10 दिन पहले ही बात हुई थी आपकी, तो आवाज वगैरह बिल्कुल ठीक लग रही थी, सही से बात कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, और मुझे कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, अभी मैं फिर ठीक हो गया हूँ, अब बॉम्बे आने से अच्छा है, मुझे दिल्ली की हवा सूट नहीं हुई, थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था और मैं फिर वापस आ गया,
मैं किसी काम से वहाँ गया था, उनका पर्सनल और वो भी आ गए हैं। क्या सच्ची रोज खबरें आ रही है? जी, 67 साल बताइए, 67 साल क्या उम्र है जाने की? जी, मैंने कहा 67 साल, 67 साल क्या उम्र है जाने की बताइए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई उम्र नहीं। क्या कह सकते हैं, ईश्वर को ये मंजूर था। खैर, मैं इतना ही कहती हूँ कि ईश्वर उनके सब जो घर के लोग हैं उनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे। लता जी, बड़े होकर आप मुझे सुन पा रही हैं? लता जी कह रही थी कि ये तस्वीर हम एक और दिखा रहे हैं, ये दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान की तरफ से, दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान की तरफ से सम्मानित भी किया था शायद आप लोगों को। जी, उनको अवार्ड दिया था हमने। जी जी, और सब लोग आए थे, मतलब उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, सभी लोग थे और बहुत बहुत प्यार से मतलब पेश आए। हमें बहुत खुशी हुई और मुझे आज खुशी हो रही है कि मैंने ऋषि जी को मेरे पिताजी का अवार्ड दिया था। जी, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। एक साल तो लगाकर आए थे अमेरिका में ऋषि कपूर, अपना इलाज कराया था उन्होंने कैंसर का पूरा। वो भी बड़ा मुश्किल समय था परिवार के लिए, आपकी तो बात होती होगी तब। जी, मेरी उसी वक्त ज्यादा बातें हुई, बहुत मतलब टेलीफोन, उनके मैसेजेस आते थे मेरे इस पे, टेलीफोन आते थे, मैं टेलीफोन करती थी तो वो बराबर मुझे फोन करते थे और मुझे कहते थे। एक दिन कहा उन्होंने, आप मेरा कितना ख्याल करती हैं, कितना तो आप सोचती हैं, पर आपकी दुआ से मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जल्दी बॉम्बे आ जाऊंगा, मैं आपसे मिलूंगा। आपने तो इतने बचपन से देखा, वो तस्वीर जो आपने शेयर की है आपकी गोद में नन्हे से ऋषि कपूर, आपको तो बिल्कुल अपने अपने बच्चे, अपने छोटे भाई की तरह प्यार आता होगा ऋषि कपूर पर। जी हाँ, जी हाँ, मुझे वैसे ही लगता है। कोई और बात, कोई और याद जो आपको? मुझे लता जी या दीदी कुछ नहीं कहते थे। अच्छा, मुझे आंटी जी कहते थे, आंटी करके ही बुलाते थे। अच्छा, ऋषि कपूर को जिस तरीके से खाने पीने का बहुत शौक था, कभी आपसे कुछ फरमाइश की? आपके हाथ का कुछ पसंद था उनको खाना? नहीं, मैंने उन्होंने नहीं कहा मुझे, और ना ही मैंने पूछा। खाना है, खाने का शौक जी सारे उनके सारी फैमिली को था। जी, राज साहब को भी था, बड़े बेटे को भी था, ऋषि जी को भी था, खाने का बहुत शौक था। जी, लता जी, मुलाकात आखिरी बार कब हुई थी आपकी? फोन पर तो आप बता रही हैं कि लगातार बात हो रही थी, अभी 10-12 दिन पहले भी बात हुई थी जब उन्होंने बताया था कि इन्फेक्शन। बात ही होती रही, पर मेरी मुलाकात बहुत बहुत साल हो गए। अच्छा।